उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दर्दनाक हादसा। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर स्कूल वैन के ट्रेन से टकराने पर 12 बच्चों समेत 13 की मौत। सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान। कुशीनगर में घटनास्थल का जायजा लेने आए सीएम योगी आदित्यनाथ का विरोध। मृतकों के परिजनों ने की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कुशीनगर हादसे पर राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जताया दुख। कहा दोषी के खिलाफ होगी कार्रवाई। आज भी दिल्ली में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। केशवपुरम में स्कूल वैन और टेम्पो में टक्कर, एक की मौत, 18 बच्चे घायल। जज लोया मामले में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का बड़ा आरोप। लोया केस में पीआईएल पहले से ही फिक्स थी। विपक्ष को बदनाम करने के लिए आरएसएस के व्यक्ति ने दाखिल की थी याचिका। कांग्रेस ने जस्टिस जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजने पर उठाए सवाल। पूछा क्या उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के फैसले के खिलाफ पीएम मोदी ने की है बदले की राजनीति। वकील से सीधे जज बनने वाली पहली महिला बनी इंदु मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट की जज बनेंगी इंदु, शुक्रवार को ले सकती है शपथ। 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर ओकल पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा झूठों पर कभी विश्वास मत करो। कर्नाटक के रन में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों को पीएम मोदी का मंत्र। आरोपों से मत डरो, डटकर सबका सामना करो। राजस्थान बीजेपी में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान। करीब 12 मंत्रियों के साथ वसुंधरा राजे ने दिल्ली में डाला डेरा। आज अमित शाह से करेंगे मुलाकात। उत्तर प्रदेश महागठबंधन में कांग्रेस को साथ लाने के हक में नहीं है मुलायम। बोले कांग्रेस की हैसियत सिर्फ 2 सीटें जीतने की है। असम के सीएम सर्वानंद सोनोवाल ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार। कैबिनेट में शामिल किए गए 6 नए चेहरे। आसाराम की सजा के बाद अब बेटे नारायण साईं की बारी। रेप केस में आज सूरत में होगी पेशी। सूरत की 2 बहनों ने लगाया रेप का आरोप। सजा पाने के बाद आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल के बैरक नंबर 2 में बिताई रात। फैसले के बाद रात भर भूखा रहा आसाराम। गाजियाबाद के मदरसे में नाबालिग से रेप, परिजनों ने की मौलवी की गिरफ्तारी की मांग। सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी का कोई अता पता नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर, 1 जनवरी 2018 को मुंबई से यूएई रवाना हुआ था नीरव मोदी। विश्व बैंक ने कच्चे तेल के दाम को लेकर चेताया, 2018 में बढ़ सकते हैं 20% दाम। 100 के करीब पहुंच सकता है पेट्रोल। दलाई लामा से मिलने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने किया इनकार। कहा मुलाकात से चीन में हो सकती है तनावपूर्ण स्थिति। 26 अप्रैल को होनी थी मुलाकात। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच के बाद विराट को लगा झटका। मैच में धीमी ओवर गति के लिए लगा 12 लाख रुपए का जुर्माना। और छोटे पर्दे की बहू हिना खान ने किया फिल्मों का रुख। शॉर्ट फिल्म स्मार्टफोन में आएंगी नजर। ट्विटर के जरिए दी जानकारी।